बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ुलैखा नासिर और आप देख रहे हैं आज ज़ुलैखा नासिर के साथ ओनली ऑन उर्दू न्यूज़ नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती के साथ कि जब हम उन्हें सुनेंगे तो हमारे दिल खुश हो जाएंगे। जी हाँ, हम मौजूद हैं एक सिंगिंग अकेडमी में और हम मौजूद हैं मिस एनी के साथ। मिस एनी एक सिंगर हैं और उसके साथ साथ वो अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करती हैं। यहाँ आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर एक सेटअप है ये इस एकेडमी में। ये एकेडमी पैरागॉन सिटी में वाक़ है और यहाँ पे पूरा एक सेटअप है सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। तो हम मिस एनी से ही पूछेंगे कि उन्होंने अपनी ये जर्नी कैसे तय की, उन्होंने ये अकेडमी कैसे बनाई, कौन कौन इनके साथ काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिस एनी जी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं आप मिस कि आपकी जो पहले की जर्नी है, मतलब स्टार्टिंग की जर्नी है, वो आपने कैसे की? फिर आप सारी जो कठोर रास्ते हैं उनको काटते हुए यहाँ पर तक कैसे पहुँची, अकेडमी कैसे बनाई आपने और आपके साथ कौन कौन काम कर रहा है? ज़ुलैखा, मुझे बचपन से शौक़ था सिंगिंग का, बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन पता नहीं था कि कभी सिंगर बन जाएंगे। अच्छा। लेकिन बस एक वक्त ऐसा, आपको पता है ज़िंदगी में होते हैं ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि बंदा, लेकिन बस पता ही नहीं चला सिंगिंग की तरफ आ गए हैं और स्टार्ट किया अपने शौक़ से। अच्छा। और शोज़ किए, कुछ छोटे छोटे शोज़ से स्टार्ट किया, चैनल्स किया, अभी भी चैनल्स कर रही हूँ मैं। PTV भी किया, GNN भी अभी भी रिसेंटली किया और काफ़ी चैनल्स के साथ मैं कर रही हूँ काम। अपना मेरा सॉन्ग आ रहा है इसी मंथ में, मैं मेहंदी का सॉन्ग कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। उसके अलावा एकेडमी का भी मुझे शौक़ था कि मैं अपनी एकेडमी बनाऊँ, उसे रन करूँ और मतलब मैं अपनी सिंगिंग को प्रॉपर लेके चलना चाहती थी। मैंने अभी तक सीखा नहीं किसी से। अच्छा। लेकिन बस गॉड गिफ्टेड हूँ, मैं गाती हूँ और स्टूडेंट्स के लिए मैंने बाकायदा टीचर्स रखे हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, स्टूडेंट्स है, सिंगिंग क्लास, सारा कुछ यहाँ पे हम अवेलेबल किया हुआ है हमने बच्चों को। और एकेडमी मैं अकेली नहीं चलाती, मेरे साथ पार्टनर है मेरे, हम दोनों मिलके इसको रन करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस इसका आता है हमें। अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि फिर इस एकेडमी में कितने स्टूडेंट्स आपके पास काम करते हैं? मेरे पास फ़िलहाल तो अभी 8-10 स्टूडेंट्स हैं, कुछ गिटार के हैं, कुछ सिंगिंग वोकल के हैं, जो हमारा यहाँ पे डेली क्लास होती है, बस चल रहा है इसी तरह से। अच्छा। तो मतलब अगर हम लोग एज अ वुमेन देखें तो एज अ वुमेन जो है इन चीज़ों को हमारे माशरे में जो कह जाता है कि हाय लड़की है तो ऐ करेगी, कुड़ी है तो ऐ करेगी, तो आपको ये चीज़ें फेस करने के लिए मिली? नहीं, मुझे इतनी खास नहीं मिली, मैं इंडिपेंडेंट हूँ खुद और अपने बस मैं कर रही हूँ काम। अच्छा, जी आपको कुछ खास नहीं मिली है तो मतलब आप इन चीज़ों से मुतमईन है, खुश हैं जो आप कर रही हैं, आप अपनी चीज़ों को आगे अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहती थी, वो आपका ख्वाब पूरा हो गया? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सिंगिंग से मुतमईन हूँ और मैं इस फील्ड में हूँ और मैं आगे भी करना चाहूँगी और मैं स्टूडेंट्स को भी लेके साथ चलना चाहूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे बताएं कि आप का जो सॉन्ग आ रहा है वो आप हमें सुनाना पसंद करेंगे, थोड़े से कोई उसकी चंद लाइंस? मेहंदी का सॉन्ग है अभी, बस वो तैयारी पे है, तो मैं तो चाहूँगी कि तैयार हो जाए फिर सुनाऊँ आपको। अच्छा, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप अपनी आवाज़ में? जी ज़रूर, मैं आपको लाइव भी सुना सकती हूँ यहाँ पे, अभी हम करेंगे छोटा सा यहाँ पे पोर्शन, उसके अलावा मैं दो लाइनें आपको सुना देती हूँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। आपके पहलू में ही हम बैठे हुए हैं और हमें पहलू में बैठ के बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे और आपको और बड़ी बड़ी मंजिलें पार करवाएं। अच्छा, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम आपसे छोटी सी परफॉर्मेंस भी लेंगे, इससे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आप अब तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हैं या ये आपका पहला प्रोजेक्ट है? ज़ुलैखा, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो मेरा अपना सॉन्ग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको करना चाह रही थी प्रॉपर। अच्छा। मैं चाहती थी
कुछ सीख तो लेना, कुछ आ तो जाए फिर ही करेंगे। और लेट हो गया सॉन्ग मेरा, कुछ पर्सनल इश्यूज थे मेरे, लेकिन अब इंशाल्लाह इसी मंथ में मेरा बहुत अच्छा सॉन्ग ऑफिशियल वीडियो आ रहा है मेहंदी का। आगे भी इंशाल्लाह मैं अब साथ साथ अपने सॉन्ग्स करूँगी, अपने प्रोजेक्ट करूँगी। उसके अलावा अगर क्लिक हो गया, अल्लाह की मर्जी हुई, तो इंशाल्लाह काम भी करेंगे ज़रूर। तो आइए चलते हैं एनी से उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि एनी क्या परफॉर्म करने जा रही हैं, उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनकी परफॉर्मेंस सुनते हैं। तो आइए चलते हैं। कभी कभी हमने सुना मिस एनी का गाना, इंतहाई खूबसूरत अल्फाज और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ का चुनाव हम लोगों ने उनकी ज़ुबानी सुना। हम अब यही उनसे सुनते हैं कि अगर उन्होंने किसी से सीखा नहीं है तो उन्होंने इतनी प्यारी आवाज़ जो है वो कहाँ से, गॉड गिफ्टेड जो है आवाज़ उसको भी तराशना पड़ता है, वो तराशा कैसे इन्होंने, हम इनसे ही जानते हैं। ज़ुलेखा मैंने तराशना तो क्या अभी तक कोशिश ही कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ लता जी की, मुझे बहुत बहुत पसंद है वो, मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनको सुनती हूँ बहुत ज़्यादा और बस उनके गाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि लास्ट में प्रोग्राम की लड़कियाँ जो है हिचकिचाती हैं सिंगिंग सीखने से, सिंगिंग करने से हिचकिचाती हैं, आपको पता है हमारे जो सोसाइटी है उसमें इसको वो आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, आप मुझे बताएं आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी कि चाहे वो उनकी शादी हो चुकी है या नहीं शादी हो चुकी है, अगर उनके हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं या उनके घर वाले कोऑपरेटिव हैं तो उनको आके सीखना चाहिए, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मैं यही कहूँगी कि कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, इंसान खुद अच्छा या बुरा होता है, हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, हस्बैंड्स को भी कोऑपरेटिव होना पड़ता है अपनी मिसेस के साथ, अगर वो मैरिड हैं तो ज़रूर उन पे एतबार किया जाए, उनको आगे बढ़ने, अगर उनमें टैलेंट है तो उनको आगे बढ़ने दिया जाए और ख़ुद साथ उनके वो सपोर्ट करें ज़रूर, और कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है, सब कर सकते हैं सिंगिंग, हर फील्ड में हर तरह के लोग हैं तो ज़रूर करें, मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हर तरीके हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक तरीके कार होता है उसमें रह के आप करें, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। तो आपको कोई मुश्किल पैदा हुई इस एकेडमी को बनाने में, आपको स्टूडेंट्स को गैदर करने में कोई मुश्किल पैदा हुई? असल में मुश्किलात तो हर काम में होती हैं, सोचा था ज़रूर के बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया बन गई, और स्टूडेंट्स भी खुद ही आते हैं, हम लोग यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए हैं, हम गा रहे होते हैं या प्रैक्टिस टाइम चल रहा होता है तो जो सुनते हैं वो ज़रूर आते हैं, देखते हैं आके सुनते हैं, पसंद करते हैं, फिर उनमें और भी शौक़ पैदा होता है कि देख के वो आते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो बस चल रहा है सिलसिला इस तरह से।
बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि मिस सैनी जो हैं एक इंडिपेंडेंट लेडी के तौर पर तो काम कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपना जो टैलेंट है वो दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप अपना टैलेंट किसी और तक पहुंचाने की कोशिश करें, उस कोशिश में थोड़ा सा हाथ हमारी सोसाइटी का भी होना चाहिए ताकि इन जैसी ख़वातीन का जो है हौसला बढ़े और ये जो है एक अच्छे माशरे को देखते हुए एक अच्छे माशरे की बच्चे और बच्चियों को ये टैलेंट से जो है उसको नवाजे ताकि वो भी आगे बढ़कर हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम दूसरे ममालिक के लोगों को कहते हैं, ख़ास तौर पर इंडिया को, कि उनके पास बहुत सारा टैलेंट है, वो टैलेंट अपना आगे 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 ट्रांसफ़र करते हैं और वो अपने वो इस जो गायकी है और डांस है उसको अपनी रूह की गज़ा जो है वो मानते हैं, तो वो अपना टैलेंट आगे प्रमोट करते हैं, वो सिखाते हैं। उनके पाँच साल के बच्चे भी जो हैं उनको भी ये चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तो हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े। मिस सैनी की ये मेहनत है, इस मिस सैनी की मेहनत में इनका साथ दें ताकि ये जो हैं इनको ये मोटिवेट हों और ये और ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन्हें सक्सेस दे। ये हमारी माशरे की एक बहुत अच्छी और खूबसूरत और टैलेंटेड खातून हैं, इन्हें अल्लाह पाक और ज़्यादा तरक्की दे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।